यमुनानगर में मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद रैली हुई फ्लॉप, कुर्सियां पड़ी रही खाली। करेड़ा खुर्द फैक्ट्रियों से लेबर को प्रधानमंत्री की रैली बोलकर बसों में भरकर लाया गया। बता दें, चुनावी रैलियों का शंखनाद हो चुका है। इसी बीच आज यमुनानगर विधानसभा के दशहरा ग्राउंड में मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। जिस हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ रैली होने का दावा किया जा रहा था, उस हिसाब की रैली दूर दूर तक देखने को नहीं मिली। कुर्सियां खाली दिखाई दे रही थी। रैली में ज़्यादा भीड़ न होने के कारण मुख्यमंत्री भी मंच से अपने संबोधन को जल्दी ख़त्म करते नजर आए। लोगों से कहा कि मुझे जाना होगा, वरना मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, अगर उड़ पाया तो नीचे नहीं आ पाएगा। और करेड़ा खुर्द समेत कई फैक्ट्रियों से यहाँ पर लेबर भरकर लाई गई। रैली में कार्यकर्ता कम, लेबर ज़्यादा दिखाई दी। कार्यक्रम में आई लेबर ने कहा कि हम करेड़ा से आए हैं और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्या कहा लेबर ने वो भी सुनिए। कहाँ से आए आप लोग? करेड़ा से। हाँ जी, क्या है यहाँ पे प्रोग्राम? प्रधानमंत्री का। सुना आपने लेबर क्या कह रही है? इनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है कि भाजपा नेताओं ने इनको बहला फुसला कर या झूठ बोलकर मुख्यमंत्री की जगह प्रधानमंत्री के आने की बात कही है। जिस हिसाब से ये तस्वीरें बयां कर रही है, उस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यमुनानगर से भाजपा का सूपड़ा साफ होगा।